हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फोसिस की ऑफर लेटर के बारे में कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपका इन्फोसिस में सिलेक्शन हो चुका है लेकिन आप ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन 2022 या 2023 में हुआ है लेकिन अभी तक आपको ऑफर लेटर का कुछ मेल आया नहीं है, कुछ आपको उसका कन्फर्मेशन नहीं आया है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो अगर आपका सिलेक्शन आज हुआ है तो 1 या 2 वीक में इन्फोसिस का ऑफर लेटर नहीं आता है, उसके लिए कुछ टाइम लगता है, उसका कुछ प्रोसेस रहता है, तो लगभग आपको लग सकते हैं मिनिमम 3 to 4 मंथ्स और कभी कभी तो 5 या 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो मेरे केस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था पैंडेमिक के पहले और मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला था पैंडेमिक के बाद, तो लगभग 1 ईयर का गैप था मेरा सिलेक्शन होने के बाद। तो आपका भी मैक्सिमम इतना समय लग सकता है, इतना तो नहीं लगता लेकिन 7 या 8 मंथ्स मैक्सिमम लग सकते हैं आपको इन्फोसिस का ऑफर लेटर आने में। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको इन्फोसिस का ऑफर लेटर ज़रूर मिलेगा। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है, इंडिया के टॉप 2 में आती है इन्फोसिस, तो आपको ऑफर लेटर तो ज़रूर मिलेगा लेकिन आपको उसका वेट करना चाहिए। ऑफर लेटर आने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, तो मेरे पास लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आपको सबसे पहले तो एक पासपोर्ट आपको तो करवाना चाहिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए क्योंकि ऑफर लेटर आने के बाद उसका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस रहता है, उसमें पासपोर्ट लग जाता है, पासपोर्ट का नंबर लगता है और पासपोर्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए आपको पासपोर्ट तो पहले करवाना चाहिए। उसके बाद आपके सेमेस्टर की मार्कशीट वगैरह ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट आगे रहते हैं, तो उसके ऊपर मैं अलग से, आप चाहे तो वीडियो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको अच्छा सा वीडियो बना के डाल दूँगा। तो गाइज, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक ऑफर लेटर का, जो भी वेट कर रहे लोग उनके लिए एक अपडेट है ये। तो आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए, मैं उसके ऊपर चाहे तो सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए मैं दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।